70 इयर्स ओल्ड, 70 साल की लेडी जिनके नीज में पेन है, उसके ऊपर आज हम काम करेंगे। इनको एक्सरसाइजेस करना तो मुश्किल होता है, पर फिर भी शी इज वेरी एक्टिव। अदरवाइज अगर आमतौर पे अगर हम किसी बुजुर्ग को देखेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। उनके लिए क्या है, हम नी पे कैसे मसाज करेंगे। ये पटाला होता है, इसके ऊपर इसको हल्की हल्की ऐसे हाथ से मूवमेंट, ऊपर नीचे मूवमेंट, और इसको अच्छे से ऑयल करना है। ऑयल या बाम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास बाम है, हल्का सा बाम लेंगे, ऑयल के साथ मिक्स करके इसको इस पे अप्लाई करेंगे। अगर नी के आसपास यहाँ पे स्वेलिंग या बैक ऑफ द नी में स्वेलिंग है तो उस पे आइसिंग करेंगे। ये नहीं कि मसाज के बाद आइसिंग करेंगे, मसाज के बाद नहीं, 2-3 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए आइसिंग करेंगे। ये मूवमेंट एक, ये स्टेप होता है, और ये ऊपर की तरफ ये हिस्सा, इसको उसके अलावा ऐसे पैर रखकर ये ऊपर की तरफ, ये एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके बाद अच्छी तरह ये सब करने के बाद आप हीट पैड देके इनको रेस्ट कराएंगे 15-20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। क्या क्या एक्सरसाइजेस होंगी, टॉवल रोल ऐसे बना लेंगे, घर पे पड़ा होता है, इसको नी के नीचे रख के हल्का सा प्रेशर देना है, छोड़ दो, रिलैक्स, पैर की मूवमेंट नहीं रहेगी, इसको हल्का सा ऊपर हल्का सा दबाना है, छोड़ दो, 2-3 सेकंड का होल्ड करके इसको 10 टाइम रेपिटेशन करनी है। जैसे इसको होल्ड, 1-2 रिलैक्स, ये एक बार हो गया, 1-2 रिलैक्स, 2, ऐसे 10 बार करना है। एक ये एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज आपको नी बेंड करो बीजी, एनु एथो फड़ो, दोनों पासों फड़ो, हाँ, अब इसको लेग बिल्कुल स्ट्रेट अप, सीधी। इससे क्या होगा, ये जितना इजी कर पाएंगे उतना हम करेंगे, यहां पे स्ट्रेच फील होगा इनको। इनको ऐसे वापस नीचे, फिर से ऊपर, ऐसे इनको 10 बार करना है। ये होल्ड करना है 5 सेकंड, ऊपर फिर नीचे, फिर तो ठीक है ये। उसके बाद नीचे, ये बहुत नीज के लिए है, क्योंकि वीडियो के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है तो हम दोनों नीज का नहीं बता पा रहे हैं, पर आपको दोनों नीज के लिए करना है, फॉर द एज ऑफ दिस लेडी, ठीक है। इतनी एज की लेडीज हैं या मेल्स हैं, उनके लिए दोनों नीज में करना अच्छा है। बेशक उनके नी में पेन हो चाहे ना हो, पर ये एक्सरसाइज उन सबके लिए बहुत अच्छी है, ये करनी चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, एन ऊपर चुको, होल्ड करो, रोक के रखो, 1-2-3 डाउन, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर, 1-2-3 डाउन, ऐसे 10 रेपिटेशंस, ठीक है, 1-2-3 डाउन। हुन एक की करोगे, बिल्कुल लेग स्ट्रेट, नी लॉक, और बार लेके आनी है, 1, वापस आ जाओ अंदर, फिर तो बार लेके आओ अंदर, फिर तो अंदर, फिर तो अंदर, ऐसे 10 टाइम्स। एक ये हो गई, एक पैर नू एदा टेढ़ा करोगे, एदा टेढ़ा, नी बिल्कुल लॉक, एदा ऊपर चुकना है, 1, नी लॉक रहेगा बीजी, नी लॉक, एनू टाइट कर लोगे, पैर एदा, ठीक है, ऊपर चुको, 1-2-3, आप देख रहे हो इनका नी बेंड हो रहा है, तो बेंड होगा तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। इसको क्या करना है, बिल्कुल एदा नी एदा, ठीक है, पैर ऐसे टेढ़ा होगा, नी बिल्कुल लॉक, टाइट कर लो लात नू, बिल्कुल अकड़ा लो, ठीक है, हुन ऊपर, 1-2, नी बेंड हो रहा है क्योंकि ये हिस्सा वीक है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, उठाओ, 1-2-3-4-5 रिलैक्स, 5-5 के 3 सेट, सबके 3-3 सेट करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी नी इश्यूज से रिलेटेड।
कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको नी से रिलेटेड, आप ये कर सकते हो. ऑफ दिस एज, इसके ऊपर भी एज होगी जैसे 30, 40, 50, उनको भी आ रही है तो वो भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. उसके अलावा आपको कोई भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो शैटिका पेन है, नमनेस, शोल्डर में इश्यू है, नेक में प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड कोई भी आपने मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात पूछनी हो, कुछ भी है, तो उसको आपको करनाल प्लस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. आई एम डॉक्टर कौर, मेरा क्लिनिक दिल्ली सुभाष नगर में है.